Namaskar, bacho. Welcome back to the practice exercise of business correspondence and reporting. ये जो हम practical exercise कर रहे हैं chapter 2 sentences के कर रहे हैं and I will now continue my lecture from where we left last time. इस lecture में हम question and answer format में ही exercise करेंगे ताकि आपको ये subject बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आपकी revision हो सके. So let us begin with another question. It is again about subject and predicate. आपको मैंने last lecture में जब practice exercise करवाया था तो उसमें मैंने आपको differences बताए थे कि phrase, clause और sentence में difference क्या होता है. वो ही मैं दोबारा से repeat कर रही हूँ. Repetition में आपकी revision हो रही है, इसीलिए ये repetition is beneficial. तो ये जैसे आप को मैंने आपको बताया था कि फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो तीन वर्ड्स को जोड़ के हमने फ्रेज बनाया. बट फ्रेज सेंस तो बनाता है पर कंप्लीट सेंस नहीं बनाता. जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलूं अ येलो ड्रेस, 5 o'clock, ये फ्रेज है क्योंकि तीन वर्ड्स, तीन अक्षर को, तीन वर्ड्स को मिलाकर एक हमने फ्रेज बनाया है अ येलो ड्रेस, पर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना, ये कंप्लीट सेंस बनाता है. सो फ्रेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच देर इज अ सब्जेक्ट एंड देर इज अ प्रेडिकेट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज जिसके बारे में बात की जा रही है. बट हुम, कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन, किसके बारे में बात की जा रही है. एंड प्रेडिकेट इज द वर्ब, इज द एक्शन वर्ब, और इट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, या व्हाट डज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग. तो वर्ब फ्रेजल वर्ब होता है, वर्बल फ्रेज होता है, प्रेपोजिशन फ्रेज होता है. ये जो प्रेडिकेट होता है, इट कैन टेक फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, द एक्शन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग. तो जब जहाँ पे एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है उसको हम कहते हैं क्लॉज. क्लॉज में अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आप जोड़ देते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. सो अब आप पहले मेरे को ये बताइए कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फ़र्क समझ पाए, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. सो सब्जेक्ट इज जिसके बारे में बात की जा रही है. हु इज डूइंग द एक्शन, वो सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट है अ वर्ब, अ स्टेट ऑफ बीइंग, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, वो है प्रेडिकेट. सो लेट अस नाउ डू दिस क्वेश्चन टू मेक इट मोर क्लियर. ये क्वेश्चन है, चूज वेदर द बोल्डेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैंने बोल्ड में एक सेंटेंस है, उसमें मैंने बोल्ड में एक वर्ड को हाईलाइट किया है, वो बोल्ड वर्ड सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, आप मुझे बताएंगे. सो लेट्स बिगिन. Farmers harvest cranberries by flooding the growing beds with half a foot of water and scooping up the fruit. Farmers harvest कर रहे हैं cranberries, flooded ground से, जहां पे आधा आधा फुट का पानी भर गया है वहां से harvest कर रहे हैं by scooping up the fruit. तो कौन एक्शन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है.
मैंने बोल्ड में लिखा है फार्मर्स, तो फार्मर्स बच्चों सब्जेक्ट हुआ कि प्रेडिकेट हुआ? सब्जेक्ट है कौन कर रहा है एक्शन, किसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे फार्मर इज डूइंग द एक्शन, फार्मर के बारे में बात हो रही है. सो फार्मर जो बोल्ड में है, बोल्ड वर्ड है, इज अ सब्जेक्ट. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जोहानस ब्राम्स इज माय फेवरेट 19th सेंचुरी कंपोजर. जोहानस ब्राम्स इज माय फेवरेट 19th सेंचुरी कंपोजर. जोहानस इज माय फेवरेट कंपोजर, किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? कौन है मेरा फेवरेट कंपोजर? जोहानस. तो जोहानस के बारे में बात हो रही है, तो जोहानस बोल्ड वर्ड है, तो जोहानस क्या हुआ, सब्जेक्ट की प्रेडिकेट? यस, यू आर राइट, इट इज अ सब्जेक्ट. अगेन करेक्ट आंसर. यहां पे तो हम केबीसी खेल रहे हैं, लॉक कर दिया जाए. एंड क्या सही जवाब है तो उसको हम लॉक करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी गोट्स क्लाइम्ड अप द क्लिफ फेस अनस्टेडिली. क्लिफ फेस पे वो जल्दी जल्दी अनस्टेडिली बेबी गोट्स चढ़ रही हैं. सो बोल्ड में है क्लाइम्ड अप द क्लिफ फेस स्टेडिली. क्लाइम्ड अप क्या है बच्चों? क्लाइंबिंग अप या क्लाइम्ड अप इज अ वर्ब, इज अ एक्शन वर्ब, इज द स्टेट ऑफ बीइंग. तो क्लाइम्ड अप क्योंकि एक्शन वर्ब है, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इट इज अ प्रेडिकेट. बेबी गोट जिसके बारे में बात की जा रही है वो है सब्जेक्ट. और बेबी गोट क्या कर रही है? बेबी गोट कर रही है, इट इज क्लाइंबिंग अप द क्लिफ फेस अनस्टेडिली. क्या कर रही है? व्हाट इज द एक्शन बेबी गोट इज डूइंग? इज द प्रेडिकेट. तो या तो आप क्लाइंबड अप अगर बोल्ड लेटर में है तो ये प्रेडिकेट कह सकते हैं, या इस पूरे पार्ट को कि बेबी गोट क्या कर रही है कैन बी सेड एज प्रेडिकेट. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बोल्ड में जो है इट इज अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? इट इज अ प्रेडिकेट. लॉक कर दिया जाए. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नोबल हॉर्स वॉश्ड इट्स मेन इन द वॉटरफॉल. आपको पता है हॉर्स के नेक पे बड़े बड़े बाल होते हैं. आप हॉर्सेस देखे होंगे, घोड़े नेक पे काफी बाल होते हैं, उनको मेन कहते हैं, MANE. तो यहाँ पे वो कह रहा है एक नोबल हॉर्स इज वॉशिंग इट्स मेन इन द वॉटरफॉल. वॉटरफॉल के नीचे अपनी गर्दन के बाल को वॉश कर रहा है. सो ये जो बोल्ड में है ये क्या है, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है? पहले बच्चों आप ये आइडेंटिफाई करिए कि इसमें एक्शन वर्ब है. यस, है वॉश्ड, स्टेट ऑफ बीइंग है. कौन अपना मेन वॉश कर रहा है वॉटरफॉल में? हॉर्स. हॉर्स के बारे में बात की जा रही है, तो हॉर्स क्या हुआ, सब्जेक्ट. क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है? वॉशिंग हिज मेन अंडर द वॉटरफॉल, ये उसका एक्शन है. तो ये जो बोल्ड में है ये क्या हुआ, प्रेडिकेट की सब्जेक्ट? प्रेडिकेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ प्रेडिकेट. नेक्स्ट देखते हैं. नेहा ट्राइड ऑन अ जेस्टी न्यू कलर ऑफ नेल पॉलिश. किसके बारे में बात हो रही है? नेहा. नेहा जो एक्शन कर रही है, तो नेहा हमारी सब्जेक्ट है, ये क्लियर है. और क्या एक्शन कर रही है? शी इज ट्राइंग टू पुट नेल कलर, अपने हाथों पे नेल कलर लगा रही है. ट्राइंग ऑन अ जेस्टी नेल कलर, नेल पॉलिश. तो ये जो बोल्ड में है ये क्या है, प्रेडिकेट की सब्जेक्ट?
अगर नेहा सब्जेक्ट है, ट्राइंग ऑन द जेस्टी नेल पॉलिश इज द एक्शन दैट नेहा इज डूइंग, सो इट इज अ प्रेडिकेट. सो जो बोल्ड में है, ट्राइड ऑन जेस्टी न्यू कलर ऑफ नेल पॉलिश इज अ प्रेडिकेट. करेक्ट? आर यू कन्विंस्ड? अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है, तो यू गो बैक टू योर बेसिक डेफिनेशन. अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है कि सब्जेक्ट है हु इज डूइंग द एक्शन, जिसके बारे में बात की जा रही है, एंड प्रेडिकेट इज द वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग, क्या एक्शन ले रहा है सब्जेक्ट, सो वो पूरा फ्रेज जो है इज अ प्रेडिकेट. और जिस जगह पे एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं उसे बोलते हैं क्लॉज. और जहाँ पे प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव होता है, उसे बोलते हैं सेंटेंस. सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. अब जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको कराने वाली हूँ बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. ये हमने थ्योरी में किया था, मैं आपके साथ ब्रश अप करती हूँ बिफोर वी डू द क्वेश्चन एंड आंसर. सिंपल सेंटेंस बच्चों वो होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. वन मेन क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो होता है सिंपल सेंटेंस. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई वॉक. आई इज द सब्जेक्ट, वॉक इज द प्रेडिकेट. तो एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, आई वॉक इज इंडिपेंडेंट क्लॉज and hence it is a simple sentence. Compound sentences वो होते हैं बच्चों जहाँ पे दो independent clauses होते हैं. ऐसा sentence जहाँ पे दो independent clauses हैं, या तो comma, semicolon या conjunction से जुड़े हुए होते हैं. दो independent clause को जोड़कर एक compound sentence बनता है. Complex sentence वो होता है बच्चों जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज बच्चों उनको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, और डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है. अकेले डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, पर जब वो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ जाता है तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. सो जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है बच्चों जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज है. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो डिपेंडेंट क्लॉज को जब जोड़ दो तो वो बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं. आप एक बार ये अपनी थ्योरी दोबारा से रिवाइज करिएगा, वो लेक्चर दोबारा से देखिएगा, पर आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. सो लेट्स बिगिन. क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें ये सेंटेंस जो अब हम करेंगे क्लासिफाई करने हैं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है. सो लेट अस बिगिन. पहला सेंटेंस है बच्चों, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक. आपको क्या लगता है कि ये सिंपल है? एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है.
कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दो डिपेंडेंट क्लॉज है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए. वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट लेक. सो वी इज द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट इज क्या एक्शन ले रहे हैं. वी डिसाइडेड टू गो फॉर फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक. हम क्या एक्शन ले रहे हैं. वी आर गोइंग टू फिश फॉर फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक. तो इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है, इट इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड हेंस इट इज अ सिंपल सेंटेंस. तो हम इसके आगे लिख देते हैं सिंपल एस. इट इज अ सिंपल सेंटेंस. अब दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों. दिस समर आर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल. किसके बारे में बात हो रही है, समर वेकेशन के बारे में. और क्या होना चाहिए, समर इज योर सब्जेक्ट, शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल. वर्ब, एक्शन वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल. तो ये भी बच्चों, इसमें भी यही है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है. दिस इज ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस. नाउ गो टू नेक्स्ट बुलेट पॉइंट. आफ्टर द टोर्नाडो हिट माई हाउस वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. After the tornado hit, my house was completely destroyed. इसमें आप देखिए बच्चों, there are two clauses clearly. After the tornado hit पहला clause है, my house was completely destroyed दूसरा clause है. क्योंकि यहाँ पे भी subject है tornado, hit is your predicate, and यहाँ पे my house is a subject. And completely was completely destroyed is the predicate. तो दो clauses हैं, एक independent clause है क्योंकि after the tornado hit अपने आप में ही complete sense है. My house was completely destroyed is a dependent clause, जो उस पर depend करता है. Tornado hit हुआ इसीलिए मेरा घर तहस नहस हो गया. सो वन इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंस वी हैड ओनली वन प्लेट वी हैड टू टेक टर्न्स टू ईट आवर डिनर. सिंस वी हैड Only one plate, we had only one plate, we had to take turns to eat our dinner. So we yahan pe is our subject and we have to take turns to eat our dinner is a predicate. Ye ek hi clause hai beta kyunki ek hi subject hai we. Kiske baare mein baat ho rahi hai, we, hum sab ke baare mein. और क्या कर रहे हैं हम बारी बारी खाना खा रहे हैं. वी आर टेकिंग टर्न टू ईट आवर डिनर. तो एक ही प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस. क्लियर. नेक्स्ट देखो आप, लता एंड सुमन कुक्ड एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे. Lata and Suman cooked and served the people through the day. बच्चों अगेन यहाँ पे एंड है, इट्स अ कंजंक्शन. अगर आप देखें तो ये दो क्लॉजेज हैं, लता एंड सुमन कुक्ड. कौन कुक कर रहा है, लता और सुमन सब्जेक्ट हैं. क्या एक्शन कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वो प्रेडिकेट है. सर्व द पीपल थ्रू द डे, सर्विंग इज योर प्रेडिकेट. एंड ये यहाँ पे आप एक 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 चीज ध्यान रखेंगे, आप ये एंड को अगर आप कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे तो ये जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का,
it will become another independent clause. क्योंकि अगर आप देखें तो ये अलग अपना ही अलग से ही ये सेंस बनाते हैं. अगर आप यहां ध्यान से देखें, लता एंड सुमन कुक्ड, लता एंड सुमन ने कुकिंग करी, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस. एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे, सर्व्ड पीपल थ्रू द डे, अगेन कंप्लीट सेंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं बच्चों, इसीलिए ये सेंटेंस जो है, एक क्लॉज है लता एंड सुमन कुक्ड और एक क्लॉज है सर्व पीपल थ्रू द डे. सो बिकॉज देर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसीलिए ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? एम आई क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है बच्चों जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. सो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. I wanted to go to the market today, comma, but the thunderstorm prevented me from doing so. Again, there are two clauses. I wanted to go to the market today, complete sense, complete sentence, one independent clause. Out the thunderstorm prevented me from doing so. I wanted to go to the market today, but the thunderstorm prevented me from doing so. Thunderstorm prevented me from doing so. Another independent clause, another complete sentence. तो इस sentence में भी बच्चों दो independent clause हैं. I wanted to go to the market today, but the thunderstorm prevented me from doing so. There are two independent clause and that is why this sentence is a compound sentence. It is a compound sentence. Upar wala is a complex sentence. Complex sentence ko hum CO kar dete hain, compound ko hum C kar dete hain. Complex hota hai ek independent clause aur ek ya do dependent clause. Compound sentence hota hai do independent clause. Now next question. The boys have completed the job as promised, so we should give them credit and pay them accordingly. The boys have completed the job as promised. One clause. So we should give them credit. Second clause. And pay them accordingly. Third clause. There are three clauses. The boys have completed the job as promised. Independent clause. So we should give them credit. Dependent clause. And pay them accordingly. Another dependent clause. So isme teen clauses hain. Ek independent aur do dependent. So this will become a compound complex sentence. Compound complex sentence. The boys have completed the job as promised, independent clause. So we decided to give them credit, independent clause. Pay them accordingly is a dependent clause. Two independent clause and one dependent clause makes it a complex compound. दो independent clause और एक dependent clause है, इसीलिए ये compound complex sentence है. Next. The earlier mobile phones were bulky. Earlier mobile phones were bulky. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट सेंस बनाता है. द लेटेस्ट मॉडल्स विच आर स्लीक हैव मैनी मोर फीचर्स. द लेटेस्ट मॉडल्स कॉमा विच आर स्लीक इज अनदर क्लॉज. हैव मैनी मोर फीचर्स.
have many more features is a third clause. यहाँ पे तीन clause हैं. अब आप पहले मुझे बताइए ये independent clause हैं, dependent clause हैं, कितने independent हैं, कितने dependent हैं, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये complex compound sentence है, compound sentence है कि complex sentence है. The earlier mobile phones were bulky. Independent clause है, complete sense है. The latest models which are sleek. Independent clause again. Have many more features is a dependent clause. दो independent clause है और एक dependent clause है. Hence this is a complex compound sentence. So next sentence है, taxation without representation was a common complaint 200 years ago. Taxation without representation, one clause, पहला clause है. पहले बच्चों आपको identify करना है कितने clauses हैं, independent clauses कितने हैं, dependent clauses कितने हैं, उसके हिसाब से आप बता पाएंगे कि ये complex sentence है या complex compound. So taxation without representation, one clause, was a common complaint 200 years ago, was a common complaint, another clause, 200 years ago, another clause. So इसमें बच्चों एक independent clause है, taxation without representation. Complete sentence है, sense बनाता है, एक subject है, एक predicate है, it is an independent clause. Was a common complaint is a dependent clause, 200 years ago, dependent clause again. तो जहाँ पे independent clause और dependent clause होता है, वो होता है complex sentence. Taxation without representation was a common complaint 200 years ago. तो अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें एक dependent clause है. Taxation without representation independent clause was a common complaint 200 years ago is a dependent clause. One independent clause, one dependent clause makes it a complex sentence. So हमने complex का साइन दिया हुआ है, CO. It is a complex sentence. Next, snowboarding looks like fun, but it requires a lot of practice, which is boring and dangerous. Snowboarding looks like fun, a clause, but it requires a lot of practice, another clause, which is boring and dangerous, another clause. तो यहाँ पे तीन क्लॉजेज हैं. पहला क्लॉज है स्नोबोर्डिंग लुक्स लाइक फन, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, कंप्लीट सेंस बनाता है, किसी पे निर्भर नहीं करता. बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये किसी चीज पे निर्भर नहीं करता, अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस है. Which is boring and dangerous? क्या है boring and dangerous? ये जो clause है, ये depend करता है independent clause पे, तो ये है dependent clause. तो यहाँ पे दो independent clause हैं और एक dependent clause है, इसीलिए ये sentence है complex compound. आई होप आपको समझ आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग दी एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को करने से आपको और क्लैरिटी मिल रही है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, और दो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. जहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल सेंटेंस है. तो हम इस एक्सरसाइज से ये हमारी रिवीजन हो रही है. बिफोर आई वॉज बॉर्न माई वदर वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट. बिफोर आई वॉज बॉर्न, वन क्लॉज. माई मदर वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट, सेकेंड क्लॉज.
तो इसमें क्या है, बिफोर आई वॉज बॉर्न इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, माई मदर वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. गो टू द स्टोर, पहला क्लॉज, एंड गेट सम मिल्क, दूसरा क्लॉज, एज आई मस्ट हैव योर केक बेक्ड इन टाइम फॉर द पार्टी. गो टू द स्टोर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि डिपेंडेंट, किस चीज पे निर्भर करता है. गो टू द स्टोर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में ही कंप्लीट है, सेंस बनाता है. एंड गेट सम मिल्क, गेट सम मिल्क किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. गेट सम मिल्क शॉप से भी हो सकता है, फ्रिज में से भी हो सकता है. सो इट इज नॉट अ डिपेंडेंट क्लॉज, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो देर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. एज आई मस्ट हैव योर केक बेक्ड इन टाइम फॉर द पार्टी, एज आई मस्ट हैव योर केक बेक्ड इन टाइम फॉर द पार्टी, ये है डिपेंडेंट किस चीज पे, कि आप शॉप पे जाके मिल्क लाएंगे तो ही मैं केक बेक कर सकती हूँ. तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज. तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए ये सेंटेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. अब आप लास्ट सेंटेंस देखो, डोंट टेल मी यू कांट फाइंड योर बैकपैक. डोंट टेल मी, पहला क्लॉज, यू कैन नॉट फाइंड योर बैकपैक, दूसरा क्लॉज. अब इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, डू नॉट टेल मी, अपने आप में ही सेंस है, अपने आप में ही कंप्लीट है, अपने आप में ही एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. यू कांट फाइंड योर बैकपैक, यू कांट फाइंड योर बैकपैक भी किसी चीज पे निर्भर नहीं करता, अपने आप में ही सेंस बनाता है, अपने आप में ही एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसीलिए ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस. सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. सो ये एक्सरसाइज क्लियर है कि हमें आइडेंटिफाई करना था कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है. सो ये हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया. जब हमें ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा बच्चों कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, और कितने इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, कितने डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो हम आराम से बता पाएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर.